अमृतसर तो ट्रेन सुबह के 2 बजे चली अते 8 घंटे तो बाद मुगलपुरा पहुंची। रस्ते विच कई आदमी मारे गए, अनेक जख्मी होए अते कुछ इधर उधर पटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन उत्ते जदों सराजुद्दीन ने अखां खोलियां अते अपने चारे पासे मर्दा औरतां अते बच्चियां दा एक उमड़दा समुंदर देखिया तां उस दियां सोचण समझण दियां ताकतां होर भी बुढ़िया हो गईयां अते ओह देर तक गंधले आसमान नूं टिकटिकी बन्नी देखदा रहा। उंज तां कैंप विच रौला पै रहा सी पर बुढ़े सराजुद्दीन दे कन्न जिवें बंद सन, जिवें कुछ सुनाई नहीं दिंदा सी। कोई उसनूं देखदा तां इह ख्याल करदा कि ओह किसे गहरी नींद विच गरक है, पर अजिहा नहीं सी। उस दे होश हवास गायब सन, उस दी सारी होंद खला विच लटकी हुई सी। गंधले आसमान वल बगैर किसे इरादे दे देखदिआं सराजुद्दीन दीआं नज़रां सूरज नाल टकराईआं। तेज रोशनी उस दी होंद दी रग रग विच उतर गई अते ओह जाग पिया। उपर थले उस दे दिमाग विच कई तस्वीरां दौड़ गईआं, लुट, अग, भज्जा दौड़ी, स्टेशन, गोलियां, रात अते सकीना। सराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा होया अते पागलां दी तरह उसने चारे पासे फैले हुए इंसानां दे समंदर नूं खंगालना शुरू कर दिता। पूरे 3 घंटे वह सकीना सकीना पुकारदा रहा, कैंप की खाक छाणदा रहा, पर उसनूं अपनी जवान इकलौती धी का कोई पता ना लग्या। चारे पासे एक धांधली जिही मची हुई सी, कोई अपना बच्चा लभ रहा सी, कोई मां, कोई पत्नी, कोई बेटी। सराजुद्दीन थक हार के एक पासे बैठ गया अते दिमाग उत्ते जोर दे के सोचन लगा कि सकीना उस नाल कदों अते किथे अलग हुई। पर सोचदे सोचदे उसका दिमाग सकीना की मां की लाश उत्ते जम जांदा, जिस दियां सारियां अंतां बाहर निकलियां हुईयां सन। उस तो अगे वह कुछ होर सोच ना सकिया। सकीना की मां मर चुकी सी, उसने सराजुद्दीन दी अखां दे सामने दम तोड़िया सी, पर सकीना किथे सी? जिस बारे उसकी मां ने मरदे हुए कहा सी मैनू छड्ड दिओ अते सकीना नूं लै के जल्दी इत्थों भज जाओ। सकीना उसके नाल ही सी, दोवें नंगे पैरीं भज रहे सन। सकीना का दुपट्टा डिग पिया सी, उसनूं उठाउण लई उसने रुकना चाहिया। सकीना ने चीक के कहा सी अब्बा जी छड्डो, पर उसने दुपट्टा चुक लिया सी। ये सोचते सोचते उसने अपनी उभरी हुई कोट की जेब वल वेख्या अते उस विच हथ पा के एक कपड़ा कढ़िया। यह सकीना का उही दुपट्टा सी, पर सकीना कित्थे सी? सराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग उत्ते बहुत जोर दिता, पर वह किसी नतीजे उत्ते ना पहुंच सकिया। की वह सकीना नूं अपने नाल स्टेशन तक लै आया सी? की वह उसके नाल ही गड्डी विच सवार सी? रस्ते विच जदों गड्डी रोकी गई सी अते बलवाई अंदर वाड़े गए सन तां की वह बेहोश हो गया सी जो वह सकीना नूं चुक के लै गए? सराजुद्दीन दे दिमाग विच सवाल ही सवाल सन, जवाब कोई भी नहीं सी। उसनूं हमदर्दी की लोड़ सी। सराजुद्दीन ने रोना चाहिया पर अखां ने उसकी मदद नहीं की। हंजू पता नहीं कित्थे अलोप हो गए सन। 6 दिनां बाद जदों होशो हवास किसी हद तक दुरुस्त होए तां सराजुद्दीन उन्हां लोकां नूं मिलिया जो उसकी मदद करने लई तैयार सन। 8 नौजवान सन जिन्हां कोल डांगां सन, बंदूकां सन। सराजुद्दीन ने उन्हां नूं लख लख दुआवां दित्तियां अते सकीना दा हुलिया दस्या। गोरा रंग है अते बहुत खूबसूरत है, मेरे उत्ते नहीं अपनी मां उत्ते सी। उम्र 17 वर्या दे करीब है, अखां वड्डियां वड्डियां, वाल स्याह, सज्जी गल उत्ते मोटा जिहा दिल। मेरी इकलौती धी है, लभ लियाओ, खुदा तुहाडा भला करेगा। रजाकार नौजवानां ने बड़े जज्बे नाल बुढ़े सराजुद्दीन नूं यकीन दवाया कि जे उसदी धी जिउंदी होई तां कुछ दिनां विच ही उसदे कोल होवेगी। 8 नौजवानां ने कोशिश कीती, जान हथेली उत्ते रख के ओह अमृतसर गए। कई मावां ते बच्चियां नूं कढ कढ के उन्हां ने सुरक्षित थावां ते पहुंचाया। 10 दिन गुजर गए पर उन्हां नूं सकीना ना मिली। एक दिन इसे सेवा दे लई लारी उत्ते अमृतसर जा रहे सन कि छेरटा दे कोल सड़क उत्ते उन्हां नूं एक कुड़ी दिखाई दित्ती। लारी दी आवाज़ सुन के वह बिदकी ते भजना शुरू कर दिता। रजाकारां ने मोटर रोकी अते सारे दे सारे उसदे पिछे भजे। एक खेत विच उन्हां ने लड़की नूं फड़ लिया। देखिया तां बहुत खूबसूरत सी, सज्जी गल उत्ते मोटा काला तिल सी। एक मुंडे ने उसनूं कहा, घबरा ना, की तेरा नाम सकीना है? कुड़ी दा रंग होर भी पीला पै गया। उसने कोई जवाब नहीं दिता, पर जदों बाकी मुंडिया ने उसनूं दम दिलासा दिता तां उसकी दहशत दूर हुई अते उसने मन लिया कि उस राजुद्दीन दी तीज सकीना है। 8 रजाकार नौजवानां ने इस तरह सकीना दी दिलजोई कीती, उसनूं खाना खवाया, दुध पिलाया अते लारी विच बिठा दिता। एक ने अपना कोट ला के उसनूं दे दिता, क्योंकि दुपट्टा ना होण कारण वह बहुत उलझन महसूस कर रही सी अते वार वार अपनियां बाहां नाल अपने सीने नूं ढकण दी कोशिश विच लगी हुई सी। कई दिन बीत गए, सराजुद्दीन नूं सकीना दी कोई खबर ना मिली।
ਉਹ ਦਿਨ ਭਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਰਜਾਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਕੀਨਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਨੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਜਾਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਲਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਭੱਜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਲਾਰੀ ਚੱਲਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜੀ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਜਿਹੀ ਹੋਈ। 4 ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਟਰੈਚਰ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ। ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਈ। ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਤਿਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਚੀਕਿਆ, ਸਕੀਨਾ! ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਦੇ ਹਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਬਾਪ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਟਰੈਚਰ ਤੇ ਪਈ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਦੋ। ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੋਈ। ਬੇਜਾਨ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਨਾਲਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਲਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੁੱਢਾ ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਕਿਆ, ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੱਕ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ।